मुख्तार अंसारी की पत्नी से जुड़ी हुई खबर मिल रही है। अफशा का वीडियो कॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो कॉल से अंतिम दर्शन की चर्चा काफी जोरों पर है। फरार होने के कारण जनाजे में शामिल नहीं हो पाई अफशा अंसारी। 75,000 की नामिया है अफशा अंसारी। लोगों के बीच में वीडियो कॉलिंग के चर्चा भी हो रही है कि वीडियो कॉल करके अंतिम दर्शन किए। स्थानीय लोगों का मानना है कि अफशा ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम विदाई दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी की पत्नी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रवि पांडे जुड़ गए हैं। रवि, चर्चा काफी जोरों पर है कि अफशा अंसारी ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम विदाई दी है, क्या अभी इसकी पुष्टि हो पाई है या महज ये अफवाह है? देखिए, मुख्तार के मौत से बाद से ही ये बात सामने आने लगी थी कि अब जो फरार अफशा अंसारी है वो सामने जरूर आएगी और अंतिम विदाई में, मुख्तार अंसारी की अंतिम विदाई में वो शामिल होगी। क्योंकि एक बात ये कही जाती है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति के मौत के विदाई के वक्त रहना चाहती हैं, लेकिन लगभग पूरा कार्यक्रम बीत गया लेकिन अफशा अंसारी सामने नहीं आई, तो लोगों के बीच में ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि बिल्कुल अफशा अंसारी ने वीडियो कॉल के जरिए मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुई है, मुख्तार अंसारी का अंतिम दर्शन की है और भगोड़े मतलब फरार होने के कारण वो शामिल नहीं हो पाई है। तो ये चर्चा है, इसमें अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से चर्चा आम हो रही थी उससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अफशा अंसारी वीडियो कॉल के जरिए मुख्तार अंसारी की अंतिम विदाई में शामिल हुई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रवि आपका। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कासगंज जेल में अब्बास पूरी रात सो भी नहीं पाया और रोता रहा। वो वीडियो कॉल पर अपने पिता का चेहरा देखने की मिन्नतें करता रहा। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने से अब्बास परेशान था, इसलिए वो अपने हाई सिक्योरिटी बैरक में पूरी रात टहलता रहा। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल में बंद है। जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद भाई रुक जा यार, रुक। जनाजे की नमाज हुई। अरे इस खाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है यहाँ पे दफन हुए, वाकया हो चुका है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कासगंज जेल में अब्बास पूरी रात रोता रहा और सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिलने से अब्बास परेशान भी था, इसलिए वो अपने हाई सिक्योरिटी बैरक में टहलता रहा। और साथ ही अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल में बंद है। तो कल ये उम्मीदें थी कि अब्बास अंसारी भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद में कोर्ट भी पहुंचा लेकिन राहत नहीं मिली कोर्ट की तरफ से, जिसके चलते काफी ज्यादा परेशान भी था। और फिर उसके बाद में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि रात भर रोता रहा और मिन्नतें करता रहा कि वीडियो कॉलिंग के जरिए एक बार अपने पिता के चेहरे को दिखाया जाए। मुख्तार अंसारी के जनाजे में नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पहचान कर नारेबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कब्रिस्तान पर पहुंचे तो भीड़ हो गई थी, उस समय उसे कंट्रोल किया गया। कुछ लोगों के द्वारा जो नारेबाजी की गई है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार की मौत की जांच भी शुरू हो गई है। मामले की जांच करने के लिए जांच टीम बांदा मंडल जेल पहुंची है। जज, एसपी, डीएम और साथी जेलर जांच करने के लिए पहुंचे हैं। न्यायिक और साथी मजिस्ट्रेट, जांच शुरू हो चुकी है। टीम को एक महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। जांच के बाद में आज टीम बाहर चली गई है। तो परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने का, और अब पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। जिस वक्त उसकी तबियत बिगड़ी, जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया कि हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। एक तरफ डॉक्टर्स इसे नेचुरल डेथ बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते अब एक टीम का भी गठन किया गया और वही टीम आज बांदा जेल पहुंची थी जांच पड़ताल करने के लिए, जिसमें जज, एसपी और साथी डीएम
जेलर भी शामिल थे। तो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए थे और जांच करने के लिए ये टीम पहुंची। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो टीम बनाई गई है उसमें डीएम, एसपी, जज और साथ ही जेलर शामिल है। इन लोगों की निगरानी में जांच की जाएगी, कई सारे एंगल पर जांच होगी। साथ ही जो परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया था, खुद मुख्तार अंसारी ने भी कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जिसके चलते मेरी तबीयत बिगड़ रही है, उसके भी जांच की जाएगी। किस तरह का खाना दिया जाता था मुख्तार अंसारी को, तो तमाम पहलुओं पर अब जांच होगी और जल्द ही ये जो रिपोर्ट आएगी जांच की उसे भी सार्वजनिक किया जाएगा। तो थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि परिवार वालों में गुस्सा भी है और कई आरोप परिवार वालों की तरफ से मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर लगाए जा रहे हैं। तो परिवार वालों का कहना था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जिसके चलते बार बार तबीयत खराब हो रही है। हालांकि परिवार वालों ने यह भी कहा था कि आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए और अगर सरकारी खर्च पर वो इलाज नहीं होता है तो हम खुद भी खर्च उठाने को तैयार हैं। इस बात का जिक्र भी परिवार वालों ने किया। अब्बास अंसारी ने पत्नी से फोन पर बात की और पिता की मौत के बाद में पहली बार पत्नी से फोन पर बात की है। पूरी जानकारी कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी की बातचीत हम आपको बता रहे हैं। तो एक बड़ी खबर मिल रही है, अब्बास अंसारी ने पत्नी से फोन पर बातचीत की है। पिता की मौत के बाद में पत्नी से बातचीत करने की जानकारी मिल रही है। तो मुख्तार अंसारी का बेटा जो कि जेल में बंद है, इससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे कि पिता की मौत के बाद में लगातार सुपुत्र खाक की प्रक्रिया में शामिल होने की मांग भी की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली। उसके बाद में रात भर बैरक में टहलता भी रहा और पिता की मौत के बाद में पत्नी से बातचीत होने की जानकारी भी मिली है। तो अब्बास अंसारी जो कि कासगंज जेल में बंद है, उसने अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत की है। हालांकि क्या बातचीत हुई है इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो पिता की मौत से काफी परेशान चल रहा था अब्बास अंसारी और साथ ही वीडियो कॉलिंग के जरिए मांग भी कर रहा था कि एक बार पिता के अंतिम दर्शन कराए जाएं, लेकिन किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि अब्बास अंसारी ने अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी। इससे पहले मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी की पत्नी की बातचीत की एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जिसमें उमर अंसारी भी बातचीत करता हुआ नजर आ रहा था और उस ऑडियो में मुख्तार अंसारी ये कहता हुआ भी सुनाई दे रहा था कि उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो रोजे भी नहीं रख पा रहा है। और अब जानकारी मिल रही है कि मौत के बाद में अपनी पत्नी से बातचीत की है अब्बास अंसारी ने। सारा जानकारी के साथ में अजेंद्र जुड़ गए। अजेंद्र, अब एक और बड़ी खबर मिल रही है कि अब्बास अंसारी जो कि पहले मिन्नतें कर रहा था कि मेरे पिता के अंतिम दर्शन करा दिए जाए, उसने अपनी पत्नी से बातचीत की थी। क्या बातचीत हुई है, क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं, ये अपने दर्शकों को कि ये बहुत बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है कि कासगंज जिला जेल से उसने जो अपनी पत्नी निकट जो बानो अंसारी है उससे बातचीत की है और अपने पिता की जो सुपुर्द खाक किया गया उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। और बात करते करते सूत्रों में जानकारी मिली है फुफक फुफक कर रोया है वो, बहुत पूरी रात सोया नहीं था, तड़प रहा था। आज उसने कोशिश की थी कि टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से कैसे उसके पिता के अंतिम दर्शन उसे हो जाए, लेकिन ये संभावना नहीं हो सकती थी। लेकिन आज उसने जब मिन्नतें की तो उसके बाद फोन से उसे बातचीत की गई है। जेल रूल्स के अनुसार ऐसा संभव होता है कि जेल से फोन से बात की जा सकती है। तो सूत्रों से जानकारी मिली है उसने अपनी पत्नी से फोन पर बात की और करीब 5 मिनट तक लगातार बात की है। बात करते करते फपक फपक कर रोया है और उसने बड़ा इच्छा थी उसकी कि पिता के जो जनाजे में शामिल हो जाए, वो नहीं हो पाया है। लेकिन उसने फोन पर बातचीत की है पत्नी से, पूरे परिवार से की जानकारी लिया, पिता के कैसे सुपुर्द खाक किया गया और कौन कौन शामिल है, ये सारी बातें उसने उसमें की है। जी अजेंद्र, क्या कोई और भी बात अब्बास अंसारी की पत्नी की तरफ से कही गई इस बातचीत के दौरान में? क्योंकि परिवार वालों के लगातार जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसमें कई आरोप प्रशासन पर भी लगाए गए, तो क्या कुछ इस तरह की भी बातचीत हुई?
नहीं, ये जानकारी सूत्रों से नहीं मिल पाई है कि उसने बात क्या की है, उधर से क्या बात की गई है। सूत्रों से जानकारी यही मिल रही है कि उसने उसका जो है यहाँ से फोन किया गया, क्यों फोन इधर से फोन किया गया था उसकी पत्नी के पास, जो कुछ नंबर ऐसे होते हैं परिवारजनों के जिनसे ही जो कैदी बात कर सकते हैं, उसकी पत्नी का नंबर यहाँ लिखा हुआ है, उसी पर बात कराई गई है। तो संभावना जताई जा रही है उसने पूरी बात पूछी होगी, बताई होगी कैसे कैसे उनकी मौत हुई है, कैसे जो है उसको सुपुर्द खाक किया गया, कहाँ से कौन लेके आया, कौन कौन रिश्तेदार शामिल हुए, कौन कौन अन्य जो लोग थे, किस तरीके के आरोप लगाए गए, ये सारी जानकारी। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया जिंद्रा आपका।